सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अनु। और आज हम बनाएंगे 4 टाइप्स ऑफ समर ड्रिंक्स जो आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। इसमें बहुत सारे तरीके के ड्रिंक्स हैं, आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आप इन गर्मियों में किसी भी गेस्ट को नींबू शरबत की जगह इन ड्रिंक्स को सर्व करके देखिए, वो भी आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ढेर सारे नींबू ले लिए हैं, लगभग यहाँ पे मैंने 5 से 6 नींबू लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नींबू के जूसेस को अलग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने बारी बारी सभी नींबू को अच्छे से चॉप कर लिया है। देन अब हम लेमन स्क्वीज़र की मदद से इसे अच्छे से सारा इसका रस निकाल लेंगे, जिससे कि पूरा नींबू का रस अलग हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। सो हमारा लेमन जूस एकदम रेडी है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 कटोरी चीनी को इसमें डाल दिया है। हमें इसका लेमन सिरप तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 1 ग्लास नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए बॉयल होने के लिए रखेंगे। आपको सिर्फ उतनी ही देर इसे बॉयल करना है जितने में हमारा शुगर मेल्ट हो जाएगा। सो इसे एकदम हमें चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही इसे गर्म करना है, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना पूरा लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी ड्रिंक्स बनाने में आसानी हो जाएगी। और हमारा लेमन सिरप एक तरफ बनकर बिल्कुल तैयार है, जिससे कि आपको बार बार चीनी और नींबू काटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ड्रिंक पे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एप्पल ले लिया है, एप्पल आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे आप इस तरीके से अच्छे से चॉप कर लें। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि इसका पूरा रस अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हाफ के हाफ एप्पल को इस तरीके से ग्रेडर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। सो हमारा एप्पल अच्छे से ग्रेट हो गया है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे और अपनी बाकी इंग्रेडिएंट्स को ले लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़े से फ्रेशली मिंट लीव्स लिए हैं, इसे आप अच्छे से वॉश कर लें। थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर एंड थोड़ा सा काला नमक। अब हम क्या करेंगे, कोई भी ग्लास ले लेंगे जिसमें अब आपको ये ड्रिंक बनानी हो। 1 से 2 टेबलस्पून ग्रेटेड एप्पल इससे आप इसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हम अपना सिरप जो तैयार किया था वो डाल देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक पाउडर। देन यहाँ पे 2 से 3 बर्फ़ के टुकड़े, जितना आपको ठंडा चाहिए ऑफकोर्स। देन यहाँ पे द मेन इंग्रेडिएंट इज स्प्राइट। अगर आप चाहे तो कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो स्प्राइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। जस्ट थोड़ा सा इसमें स्प्राइट ऐड करें और आपका कॉकटेल बनकर एकदम तैयार है। थोड़े से ऊपर से मिंट लीव्स टैप करके डाल दीजिए, ये आपको इतना रिफ्रेशिंग लगेगा, आपने ये कभी ट्राई नहीं किया होगा। आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको भी और सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलते हैं अपने दूसरे ड्रिंक की तरफ, लेट्स गो। सो सेकेंड ड्रिंक है हमारी टर्निप ड्रिंक। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का सलजम ले लिया है, ये बहुत बड़ा नहीं है ना ही बहुत छोटा है। हम इसे दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ से इसके स्टेम्स को अच्छे से निकाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक भी है और गर्मियों में आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप एक बार घर पर इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसकी एक छोटी पतली स्लाइसेस को इस तरीके से अलग कर लीजिए और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। ध्यान रखिए बहुत हार्ड होता है तो आराम से काटें। इस तरीके से जब ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट जाएगा, देन यहाँ पे हम अपना ग्लास ले लेंगे जिसमें भी आपको इसे बनाना हो। देन अब इसमें आप छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों को इसमें डाल दें। अब हम इसमें शुगर सिरप डालेंगे जो हमने तैयार किया था। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून बड़ा शुगर सिरप डाला है, थोड़े से मिंट लीव्स डाल दिए हैं तोड़ के अच्छे से। देन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, ये ऑप्शनल है इन केस अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपको इसमें थोड़ा स्वीटनेस पसंद है तो। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा स्प्राइट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप सोडा भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले और आपका हेल्दीएस्ट और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार। सो चलते हैं अब हमारी थर्ड ड्रिंक पे। सो लेट्स डू फॉर इट। सो थर्ड ड्रिंक है यहाँ पे हमारी सबकी फेवरेट वर्जिन मोहितो, जो आपको भी बहुत पसंद होगी ऑफकोर्स, और आपने ये बहुत बार ट्राई किया होगा। बट आपने क्या अभी इसे घर पे बनाया है, तो चलिए इसे बनाते हैं। एक बड़े लेमन को इस तरीके से काट लीजिए, इसके पीछे के स्टेम को इस तरीके से अलग कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लेंगे। आप इसको अब डायरेक्ट अपने ग्लास में ऐड कर दीजिए। आप थोड़े से इसमें मिंट लीव्स ऐड कर दीजिए। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं इन केस बहुत लोगों को उसका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने स्किप किया है। थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 से 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने शुगर सिरप ऐड किया है, जिससे कि इसमें लेमन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आया है। यहाँ पे 2 बड़े आइस क्यूब्स और थोड़ा सा स्प्राइट।
सो यहाँ पे अब हमारा वर्जिन मोहितो बनकर तैयार है। बिल्कुल 2 मिनट में बन जाता है ये, बहुत ही ईजी रेसिपी है। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर बनाएं। नींबू पानी की जगह गेस्ट को ये सर्व करें, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। सो अब हमारी है लास्ट एंड फोर्थ ड्रिंक, मैंगो। सो समर में हम मैंगोज़ को कैसे भूल सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और स्वीट डिश टाइप में है। ये ड्रिंक उतनी ही स्वीटन है जितनी कि बाकी सभी ड्रिंक्स में थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर होगा। अगर आपको थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर नहीं पसंद है तो ये ड्रिंक एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। किसी भी एक पक राइप मैंगो को हम ले लेंगे, इस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास ले लेंगे और इसमें सभी आम के टुकड़ों को उसमें डाल देंगे अच्छे से। एक नाइफ की मदद से यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया। सो इसके बाद थोड़े से मिंट लीव्स को क्रश करके आप इसमें डाल दीजिए। इसमें कोई भी सॉल्ट या फिर जीरा पाउडर ऐड नहीं करना है और इसे पूरा ग्लास हम लेमन सिरप से फिल कर देंगे, जो सिरप हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इसमें कोई स्प्राइट या फिर कोई भी कोक और कोई भी सोडा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से लेमन के पीसेस आप पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ऊपर से इसे गार्निश कर दीजिए और यहाँ पर आपका मैंगो कॉकटेल बनकर एकदम तैयार है। ये आपको बहुत पसंद आएगा गर्मियों में, तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और ऐसी और अमेजिंग और रिफ्रेशिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, ट्राई इट आउट।